हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्रॉस्ट वर्ल्ड एकेडमी। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन कर रहा हूं, इस पर प्रीवियस ईयर का तो जी मेन 2019 का प्रॉब्लम्स डिस्कशन हो रहा है, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम हुए थे। तो 2019 के मैंने दो एपिसोड ऑलरेडी दे रखा है, ये तीसरा एपिसोड जा रहा है पार्ट 6 के फॉर्म में। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला प्रॉब्लम क्या है। The given graph shows variation with distance r from center of that sphere. तो ये ग्राफ दिखाया गया है, तो एक्चुअली इसमें एक स्फेयर दिया गया जिसकी रेडियस है r नॉट और बगल में एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो क्या ये इसका ग्राफ है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का क्या होता है। अगर ये स्फेरिकल शेल है तो इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज चार्ज कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, एंड इनसाइड पॉइंट के लिए सेम एज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। तो विच इज के क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर नॉट, राइट। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, आर नॉट पे क्या होगा, वी वर्सेस आर ग्राफ तो कॉन्स्टेंट है, इनसाइड के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो सेंटर से लेके आर नॉट तक ये सेम कॉन्स्टेंट के क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट, और आउटसाइड पॉइंट के लिए इस लॉ को ओबे करेगा, इनवर्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सो ये हाइपरबोला हो जाएगा, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ एक्चुअली यही दिया गया है, तो सो हमारा आंसर ये पहला वाला ही होने वाला है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शंस को चेक करते हैं। पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, अगर ये चार्ज स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो तो थ्रू आउट द वॉल्यूम ये चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, टोटल चार्ज है क्यू, इसके रेडियस है आर, तो ये भी आउटसाइड पॉइंट पे कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, सो के क्यू बाय आर वेयर दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और इनसाइड पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर क्यूब, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल का अगर ग्राफ देखा जाए तो इस फॉर्म का आएगा, सेंटर से लेके सरफेस तक ये इनसाइड वाला ये लॉ फॉलो होगा और उसके बाद ये वाला लॉ फॉलो होगा, तो आउटसाइड का ग्राफ वही हाइपरबोला होगा और इनसाइड का ग्राफ ये जो कि एक पैराबोला है एक्चुअली में तो आना है। तो इसको आप फाइंड करेंगे, इससे सेंटर का पोटेंशियल जो है, जैसे आर जीरो रखेंगे तो सेंटर का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर टाइम्स 3/2, और सेंटर सरफेस का पोटेंशियल उसके लिए इसको कैपिटल आर रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो सरफेस का ये पोटेंशियल है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और सेंटर का पोटेंशियल 3/2 टाइम्स है, तो 3/2 टाइम्स इसके ऊपर चले जाएगा, तो 3/2 टाइम्स के क्यू बाय आर, और ये एक पैराबोला है जिसका एक्सिस वी एक्सिस है, सो इसलिए इस तरह का ग्राफ आता है, ऑलराइट। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर अगेन ये स्फेरिकल सेल है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा। तो चलिए इसको इस तरह से करते हैं, जस्ट अ मिनट, ग्राफ इसी के नीचे प्लॉट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। स्फेरिकल शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करते हैं, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो होता है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है,
टोटल चार्ज सपोज क्यू है तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये जीरो ही रहेगा, जीरो अप टू द सरफेस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, और उसके बाद क्या होगा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, तो आउटसाइड में के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को इस तरह से फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए। और चौथा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा ग्राफ, कैसा होगा, तो सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है तो इसके इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू आर होता है, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इस फॉर्म का आता है, ठीक है। तो उसके बाद आउटसाइड जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के जैसा, सो के क्यू डिवाइडेड बाय आर, तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो इनसाइड इस सरफेस तक इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, फाइन, तो ये इसका ग्राफ होगा। तो आपका आंसर पहले मिल चुका है, ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सेवन कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड आर टू बी कनेक्टेड इन ए कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 6/13 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास 7 कैपेसिटर है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, उसको इस तरह से कंबाइन करना है कि उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6/13 माइक्रोफेराड होना चाहिए। तो एक्चुअली ऑप्शन में 4 कॉम्बिनेशन आपको दे दिया, उसी 4 में से कोई एक आंसर होगा। सो विच ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिलो विल अचीव द डिजायर्ड वैल्यू, तो चारों में से कौन सा पॉसिबल है, लेट्स सी, इसमें ये चारों कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों पैरेलल में है, तो पैरेलल में एड अप हो जाते हैं, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा 2 को 5 बार जोड़ना है, 5 × 2, 10 माइक्रोफेराड, फाइन। उसके बाद ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, C1C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, और अगर ये आइडेंटिकल है, क्योंकि ये भी 2 है और ये भी 2 है, आइडेंटिकल है, तो सीरीज में हो जाता है C/N, अगर प्रत्येक का कैपेसिटेंस C है और N कैपेसिटर्स इन सीरीज है तो C/N, सो 2/2 दैट मीन्स 1 माइक्रोफेराड। अब ये 10 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड सीरीज में है, तो सो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 × 1 डिवाइडेड बाय 10 + 1, सो 10/11, सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ लेट अस चेक ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, तो इसमें ये 4 है पैरेलल में, ठीक है, तो एड अप हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोफेराड, ये 3 है सीरीज में, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, C/N से 2/3, और ये दोनों है सीरीज में, तो अब इसको C1C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 16/26, सो 8/13, तो सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया 3 पैरेलल में, तो 6 माइक्रोफेराड, उसका दिया 4 सीरीज में है, तो 2/4 C/N वाले रूल से, तो 1/2 माइक्रोफेराड, और ये दोनों सीरीज में है तो 6 × 1/2 डिवाइडेड बाय 6 + 1/2, तो ये 6/13 माइक्रोफेराड होगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, फाइन। फोर्थ का भी फाइंड कर लेते हैं, बट हमें आंसर मिल चुका है, ये दोनों पैरेलल में है सो 4, ये 5 सीरीज में है तो 2/5, अब ये दोनों सीरीज में है तो 4 × 2/5 डिवाइडेड बाय 4 + 2/5, तो 8/22, सो 4/11, ऑलराइट, सो हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है ऑप्शन 3। नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10⁻²⁹ कूलम मीटर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
1000 वोल्ट पर मीटर का। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया 45 डिग्री एंगल पे। तो जैसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायपोल जो है इससे 45 डिग्री एंगल पे रखा गया है। यह है डायपोल मोमेंट सपोज पी। तो डायपोल मोमेंट का भी वैल्यू दिया गया है, डायपोल मोमेंट पी इज हाउ मच, तो 10^-29 कूलम्ब मीटर। फाइन, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना। फॉर ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस पी डॉट ई, और इसी का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो कितना होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा। सो माइनस पी इज 10^-29, इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 एंड थीटा इज 45 डिग्री। कॉस 45 इज 1/√2। सो इसे फाइंड कर सकते हैं कितना आने वाला है। सो माइनस दिस 1/√2 मीन्स 0.707 इंटू 10^ दिस माइनस 29 एंड दिस 10^3। तो क्या हो जाएगा, 10^-26। ऑलराइट, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। डेसिमल को यहां से यहां अगर ले आए तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -7 × 10^-27 जूल। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, -7 × 10^-27 जूल। नेक्स्ट, इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न्ड, आफ्टर द स्विच एस इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू इज। तो इस सर्किट में क्या दिखाया गया कि पहले से ये जो कैपेसिटर सी है ये ईएमएफ ई से चार्ज हो रहा है, तो सो इस सिस्टम पे चार्ज कितना होगा? चार्ज हो जाएगा सी टाइम्स ईएमएफ ई। ऑलराइट, अब जब इसको फ्लिप करके स्विच को इधर बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, बी से इसका कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम ये सी और थ्री सी को देख सकते हैं कि ये पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी प्लस थ्री सी इक्वस 4C। ठीक है, तो सी प्लस थ्री सी इक्वस 4C, बट सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, सेल से एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद इसको फ्लिप कर दिए, बी से कनेक्ट कर दिए, तो उसके बाद सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो सी और थ्री सी पैरेलल में और उसके अक्रॉस कोई अनदर सेल नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज का अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है। तो अब क्या पूछा गया कि एनर्जी कितना डिसिपेट हुआ इन द सर्किट, तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड था, फाइनली कितना स्टोर्ड है, उसी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेटेड। तो सो एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब, एनर्जी डिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस मीन्स इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको क्यू और सी के मदद से आंसर करना है, तो सो क्यू स्क्वायर बाय 2C फॉर्मूला लगाते हैं। तो इनिशियली एक ही कैपेसिटर चार्ज थी सी, तो इसलिए क्यू स्क्वायर बाय 2C माइनस फाइनली क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये कैपेसिटेंस जो है सी प्लस 3C 4C हो गई, तो इसी से सॉल्व हो जाना चाहिए। सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 4C, तो सो क्यू स्क्वायर बाय 8C हो गया। तो क्यू स्क्वायर बाय 2C सो 1/2 और माइनस 1/8, एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 3/8 टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय सी। तो सो हमारा आंसर जो है वो कौन सा मिलने वाला है, ऑप्शन सॉरी 3/8 वाला। तो सो आंसर ये नहीं होने वाला है, 3/8 वाला हमारा आंसर होगा। तो 3/8 किस में, ऑप्शन 4 में, 3/8 क्यू स्क्वायर बाय सी। नेक्स्ट, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर।
तो आपको बताना है कि यहां पे जो सिस्टम ऑफ चार्ज दिया गया है उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो इस सिस्टम में तीन चार्जेस गिवन है, एक ये प्लस क्यू है जो कि ऑरिजिन पे है, ये प्लस क्यू एल डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पर है, और ये माइनस टू क्यू है। तीनों चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। तो सो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो डायपोल आप जानते हैं कंसिस्ट करता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से, जिसके बीच कुछ दूरी हो। तो जैसे इसमें ये प्लस क्यू और यहां का एक माइनस क्यू, ठीक है, कंसीडर करते हैं, इसको दो हिस्से में बांट देते हैं। माइनस क्यू जो है उसको दो हिस्से में बांट देते हैं, माइनस क्यू एंड अगेन माइनस क्यू। तो पहला वाला जो प्लस क्यू हमने लिखा माइनस क्यू, ये एक डायपोल कंसिस्ट करता है जो इस डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट होगी। दूसरे वाले जो डायपोल है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिलकर इस डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट होगी। तो सो हमारे पास दो डायपोल है, दोनों की डायपोल मोमेंट सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्यू इंटू एल। सो दोनों के लिए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, डिस्टेंस एल है दोनों के बीच, सो क्यू इंटू एल होगा। अब ये सिंपल वेक्टर का प्रॉब्लम है आपके लिए कि दो वेक्टर है, दोनों सेम अमाउंट की है, सेम मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, और एक दूसरे से कितने एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर। तो दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो, उसके बीच का एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो हो जाता है 2a cos थीटा बाय 2, ठीक है। कब? जब दो वेक्टर a और b दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हो जाती है 2a cos थीटा बाय 2। और डायरेक्शन, तो दिस r वेक्टर बाइसेक्ट्स एंगल थीटा, ठीक है, r जो है इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो सो इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगी? तो इसके बाइसेक्टर के अलोंग होगी, ठीक है, यही इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगी, ठीक है, p टोटल, फाइन, pt कहते हैं इसको। तो सो टोटल डायपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा इस फॉर्मूला से? तो 2 टाइम्स p cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो 2 टाइम्स p, p इज हाउ मच? ql। अब cos ये 30 डिग्री हो जाएगी, cos 30 डिग्री होती है रूट 3 बाय 2, तो 2 गेट्स कैंसिल, सो रूट 3 ql। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्लियरली विजिबल है, सिंपल ज्योमेट्री है कि ये दोनों 60-60 पर है, ये एक्चुअली इस एंगल का बाइसेक्टर है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर होगी, मतलब वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन में माइनस जे आएगा। तो सो पी टी इज रूट 3 क्यू एल टाइम्स माइनस जे। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, माइनस रूट 3 क्यू एल जे कैप, फाइन। नॉट द न्यू प्रॉब्लम, देयर इज ए यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम द ऑरिजिन। तो कह रहा है कि ऑरिजिन से आर नोट डिस्टेंस तक एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है, मतलब इस तरह का है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है जिसकी रेडियस हो गई आर नोट एक्चुअली, और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसके सरफेस पे चार्जेस है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस चार्ज। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन। अभी कह रहा है कि जो चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल करेगी, सिमिलर नेचर के चार्जेस है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक्सपेंड करना शुरू किया है। तो सो इसकी रेडियस जो है क्या होगी? बढ़ती जाएगी, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। तो सो रेडियल डायरेक्शन में इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। द फिगर दैट रिप्रेजेंट्स बेस्ट द स्पीड वी आर टी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस आर टी। तो जब रेडियस आर टी हो जाए तो उस समय उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, ठीक है, ये जो एक्सपेंड कर रही है रेडियल डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है, फाइन। तो कौन सा ग्राफ सही है? तो कैसे फाइंड करें?
तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो कि कंजर्वेटिव होता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है, इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल अप्लाई करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, इनिशियली ये रेस्ट में थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो सो इनिशियल इज जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी मास अगर m है, इसके हर पॉइंट की स्पीड रेडियल डायरेक्शन में v है, ठीक है, तो इसलिए इसमें जितने भी पॉइंट है सबकी स्पीड v है, तो सो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एक सिंगल पार्टिकल की तरह हो जाएगा। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर। तो इसी फैक्ट का यूज करें तो फाइनली के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर टी, टी टाइम पे जो भी रेडियस है, माइनस इनिशियल के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर नॉट एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसी से आपको वी फाइंड करना, तो सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वन बाय आर नॉट माइनस वन बाय आर टी, ये फॉर्मूला मिला। तो सो वी स्क्वायर या वी क्या हो जाएगा, तो ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन बाय आर नॉट माइनस वन बाय आर टी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तब इसी में इस वी और आर का ग्राफ आपसे पूछा गया कि वी और आर का ग्राफ कौन सा होगा। अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो आर जैसे जैसे आर नोट से बढ़ेगी तो इसका वैल्यू छोटा होता जाएगा, ठीक है, आर बढ़ती जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो वी का वैल्यू क्या होगा, वी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर आर इनफाइनाइट ले लें, ठीक है, क्योंकि बढ़ते जा रहा रिपल्सन हमेशा होती रहेगी, तो आर अगर आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इन दैट केस ये जो वी है वो कितना हो जाएगी, तो अंडर रूट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर नोट, ठीक है। तो जब ये आर टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो वेलोसिटी इसको टेंड करेगी, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड इस केस में हो नहीं सकता है, बट ये फाइनाइट है, ठीक है, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाय एम आर नोट ये फाइनाइट है, तो अंडर रूट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर नोट दिस वन इज फाइनाइट स्पीड। लेकिन ये फाइनाइट स्पीड कब होने जा रही है, जब रेडियस इनफाइनाइट हो जा रही है, ठीक है। तो अब ऐसा किस ग्राफ में है, लेट्स सी, बस ग्राफ देख करके हम समझ, ये नहीं होने वाला है क्योंकि ये कह रहा है लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी, गलत है। इसमें क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि घट के जीरो हो जाएगी, तो ये भी नहीं होना है। इसमें दिया गया है कि ये एक सेचुरेशन तो हो रही है लेकिन बीच में ये चेंज हो रही है कर्वेचर, तो इस ग्राफ की कर्वेचर चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है, इस ग्राफ की कर्वेचर चेंज होने वाली नहीं है। तो सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अप्रोच कर रही है जब आर टी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। वैसे आप स्लोप से वेरीफाई कर सकते हो, स्लोप से वेरीफाई किया जा सकता है कि इसका नेचर किस तरह का होगा। तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर इक्वल्स के क्यू स्क्वायर बाय एम वन बाय आर नोट माइनस वन बाय आर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर,
तो 2v dv by dr equals kq square by m 1 by r naught का 0 माइनस इसका r का पावर माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 1 by r square से प्लस 1 by r square. तो सो dv by dr इसकी जो स्लोप है वो kq square by 2v into 1 by r square है. ठीक है, अब देखो ये स्लोप जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये स्लोप पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव होने के चांसेस नहीं है. ठीक है, तो ये वाले जो ग्राफ्स हैं इसमें स्लोप नेगेटिव भी हो रहा है, इससे भी स्लोप नेगेटिव हो रहा है, सॉरी इसमें नहीं हो रहा है, इसमें सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कर्वेचर बदल रही है. ठीक है, तो जो आप डबल डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हो कर्वेचर बदलने वाले नहीं है. सो 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ये तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इसका स्लोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वो भी नहीं होने वाला है. ठीक है, तो सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट्स ऑफ एरिया 1 meter square ईच आर एट अ सेपरेशन ऑफ 0.1 meter. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 newton per coulomb, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज. तो ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया है 1 square meter, प्लेट के बीच का सेपरेशन है 0.1 meter और दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 newton per coulomb. तो आपको बताना है कि उस कैपेसिटर के ईच प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है. हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे एक पे प्लस क्यू अगर है तो दूसरे पे माइनस क्यू है, तो वही क्यू का वैल्यू हमें बताना है. ऑलराइट, तो कैसे फाइंड करेंगे क्यू का वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये दो प्लेट है, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पे माइनस सिग्मा है. चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर देखें ये क्यू है या क्यू है, तो दिस सिग्मा विल बी क्यू बाय ए. ठीक है, सिग्मा विल बी क्यू बाय ए, तो सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, तो सो क्यू इससे मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ई. बस इसी में वैल्यू रखना है. तो सो प्लेट सेपरेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है. एप्सिलॉन नॉट, तो 8.85 × 10⁻¹2 एरिया ए कितना था 1 square meter इंटू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, सो 100, तो दिस मच कूलम्ब होने वाली है. तो सो 8.85 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब, क्योंकि ये जो माइनस 12 है और यहाँ पे 10⁻¹ ये 2 है, तो इससे हो जाएगा 10⁻⁻¹. तो 8.85 × 10⁻¹⁰ कूलम, तो ये किसमें दिया हुआ है? सी 8.85 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब, ऑप्शन 3. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 microfarad, ऑल वैल्यूज इन द सर्किट आर इन microfarad. ऑलराइट, तो इसमें ये जो सर्किट दिया गया है इसमें कह रहा है इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है ए और बी के बीच वो होना चाहिए 0.5 microfarad, दैट मीन्स 1/2 microfarad इतना होना चाहिए. तो अब आप देखो सर्किट और इसमें सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई करके इजीली बता सकते हैं. इसमें ये दोनों जो 2 और 2 है सीरीज में है, तो सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या हो जाता है? सी बाय एन. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज सी बाय एन. तो इस फॉर्मूला से आप उसको फाइंड कर सकते हो क्या होने वाला है. ठीक है, ओके, सी बाय एन और फिर तो 2/2 मतलब 1 microfarad. सो हमारा इसका हो गया 1 microfarad. फिर ये 1 और 1 पैरेलल में है तो पैरेलल में एड अप हो जाता है. तो सो इसके अंदर 1 and 1 2 microfarad है. ठीक है, अब ये 2 microfarad और ये 2 microfarad सीरीज में है, तो सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो अगेन कितना हो जाएगा? 1 microfarad. ऑलराइट, अब ये 2 और 2 पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा 4.
ठीक है। फिर ये दो और ये चार सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट 2 × 4 / 2 + 4, सो 8/6, तो 4/3 माइक्रोफेराड। अब इसको एक बार मैं बना देता हूं इधर, जितने सिंप्लीफिकेशन हुआ उसके बाद सर्किट हमारा कैसा होगा। ये है सी, इसके बाद इस तरफ हमारे को मिला 4/3 माइक्रोफेराड, और उस राइट वाले ब्रांच में क्या हुआ, कितना मिला राइट वाले ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस, तो 1 माइक्रोफेराड। तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों अगेन पैरेलल में है, ठीक है। एक बार फिर से देखता कलर में चेंज कर देता हूं, ये 2 और 2 सीरीज में है, तो इसका हो गया 1 माइक्रोफेराड। ये 1 और 1 पैरेलल में हो गया, तो इसका हो गया 2 माइक्रोफेराड। फिर ये 2 और 2 सीरीज में है, तो इसका हो गया 1 माइक्रोफेराड। तो सो इस पॉइंट और बी के बीच कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेराड, वही हमने यहां पे दिखाया। फिर इस पॉइंट और अगेन बी को इस पाथ में कितना है, तो 2 और ये 4 सीरीज में, ये 2 और ये 4 सीरीज में, जिसका हो गया 4/3। तो यहां तक पहुंच गए, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4/3 और 1 पैरेलल में है, तो अब ये सी रहा और ये पैरेलल में है, तो दोनों एड अप हो जाएगा, तो 1 + 4/3, तो 7/3। तो अब ए और बी के बीच ये दो कैपेसिटर है सी एंड 7/3, जिसका इक्विवेलेंट होना है 0.5। तो अब सीरीज वाला फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, 1 by इक्विवेलेंट है 1/2, 1/C1 + 1/C2, ठीक है। इसी से 1/C सॉल्व करना है, तो 1/C लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3/7, तो 7 × 2 = 14 - 3 = 11/7, तो सो सी इक्वल्स 7/11 माइक्रोफेराड, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 7/11 माइक्रोफेराड, फाइन। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट इन अ सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। तो किसी कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो रही है, तो उसके चार्ज कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो ग्राफ दिया हुआ है, क्यू वर्सेस टी ग्राफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल्स 4 सेकंड, टी इक्वल्स 4 सेकंड पे कितना करंट है। तो टी इक्वल्स 4 सेकंड हमारा ये मार्क किया हुआ, ये करंट कितना होगा यहां पे इस टाइम पे। तो एक्चुअली करंट क्या होता है, ये क्यों हमने लिख दिया, करंट लिखे, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt। और इसका क्या मतलब हुआ ग्राफिकली, तो स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। dQ/dt का मतलब हो गया स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ। तो सो एट टी इक्वल्स 4 सेकेंड आई मीन्स स्लोप, और स्लोप इज हाउ मच, तो ये ग्राफ तो हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा, 0, बिकॉज स्लोप इज 0, सो करंट इज 0, तो आवर आंसर इज 0 एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाता कि 1 सेकेंड पे कितना है, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, इसकी स्लोप हो जाती कितनी, 3/2। 5 सेकेंड पे 0, 3 सेकेंड पे 0, 7 सेकेंड पे, तो इसकी स्लोप निकाल लेते, ठीक है। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, ये 6 तक है और ये 3 तक है, तो ये हाइट हो गई 3 और दिस वन इज 2, सो 3/2 अगेन। तो इस तरह से स्लोप फाइंड करके आप करंट फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, ए पॉइंट डायपोल पी इक्वल्स -P0x स्किप्ड एट द ओरिजिन। तो एक पॉइंट डायपोल है जो कि ओरिजिन पे रखा गया है, जिसका डायपोल मोमेंट है -P0x कैप। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस डी आर रेस्पेक्टिवली टेक वी इक्वल्स 0 एट इन्फिनिटी। तो सो एक डायपोल का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्यों कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट्स से डायपोल एक्स एक्सिस पर रखा गया है, किस डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो इसकी डायपोल मोमेंट है कितनी, तो डायपोल मोमेंट पी गिवन है -P0
एक्स कैप, तो ये माइनस लगा हुआ इसलिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब कर रहा है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जो डी डिस्टेंस पे, तो यहां पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे है जो कि डी डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे पोटेंशियल होता है जीरो। वाई, क्योंकि इस डायपोल में जो यहां माइनस क्यू चार्ज होगा और ये प्लस क्यू चार्ज होगा, दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो इसीलिए पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल जीरो हमारा या तो ऑप्शन वन में है या ऑप्शन थ्री में है। नौ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कौन सा वाला होगा? दोनों पे ध्यान से देखें, ये पी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये माइनस पी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू दिया हुआ है, दोनों में से कौन हमारा आंसर होगा? तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसका फॉर्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी बाय डी क्यूब होता है, ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी बाय डी क्यूब होता है। तो क्या होता है एक्चुअली कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स व्हाई माइनस पी बाय डी क्यूब। ऑलराइट, तो देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थ्री। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन थ्री, पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी बाय डी क्यू, ठीक है। सिंपल फार्मूला पे ये प्रॉब्लम था, ये सब फार्मूला जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो डेफिनेटली ये सब फार्मूला पढ़ते हैं, डिराइव करते हैं, तो फार्मूला याद है तो ठीक कर सकते हैं वेरी इजिली। नेक्स्ट वन, शोन इन द फिगर इज ए शेल मेड ऑफ ए कंडक्टर। तो ग्राफ में एक शेल दिखाया गया, इस डायग्राम में एक शेल दिखाया गया है जो कंडक्टर का बना हुआ है। दिस स्फेरिकल शेल इज मेड ऑफ ए कंडक्टर, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, फाइन। इट हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, इसकी इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी। आउटर सरफेस पे एक चार्ज दिया गया है क्यू, तो इसके आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज है हाउ मच, क्यू, सपोज ये कैपिटल क्यू। तो एज इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर इज अ डायपोल पी एज शोन, इसके सेंटर पे एक डायपोल भी रखा गया है, राइट। तो उस डायपोल को बनाते हैं यहां पे, इसके सेंटर पे इस डायरेक्शन में एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट पी का। तो अब ऑप्शंस में कौन सा सही है वो आपको बताना है। क्या सब ऑप्शंस है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर। सरफेस, इस सेल का जो इनर सरफेस है, मतलब ये वाली सरफेस, ए रेडियस वाले, इस पे कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी एवरीवेयर जीरो है। डेफिनेटली ये जीरो नहीं होगा, बिकॉज डायपोल में आप जानते हो कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज होगा, इसकी वजह से क्या होगा कि इसके इनर सरफेस पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑलराइट, तो ये जो प्लस क्यू है उसके आसपास वाले रीजन में यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, और जहां जिधर माइनस क्यू है उसके आसपास वाले रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसलिए इनर सरफेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होने के कोई चांसेस नहीं है। सो ऑप्शन वन रॉन्ग है। ऑप्शन टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। आउटर सरफेस पे कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पी पे डिपेंड करेगा, क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं होगा। व्हाई? ये जो हम लोगों ने देखा इनर सरफेस पे माइनस एंड प्लस क्यू चार्ज आया है, तो ये आप सोच सकते हो कि यहां पे ये जो माइनस है इसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए आउटर सरफेस पे, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, तो इधर हम लोग उतने पॉजिटिव चार्ज कर दें, ठीक है, और उसी तरह यहां जो प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए, तो फिर तो चार्ज डेंसिटी गड़बड़ हो जाएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, इस तरफ जो है चार्ज डेंसिटी इधर कम हो जानी चाहिए और इधर बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। ये जो माइनस और प्लस इन साइड में था, ये सब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स रिडिस्ट्रीब्यूट होके कर देगा और आउटर सरफेस पे उसके चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सो यहां पे ये सब बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है, इसको बाद में भी हम लोग देखेंगे क्यों नहीं, गॉस लॉ के मदद से समझेंगे। ऑलराइट, सो ये नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू, पहले ही कह चुके हैं कि अंदर वाले सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं है, सो तीसरा भी नहीं है, सो हमारा आंसर चौथा होना चाहिए।
और ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है उतना ही है जितना कि एक पॉइंट चार्ज सेल के सेंटर पे रख दे। कैसे हुआ ये, तो बाहर चार्ज है क्यू, यहां पर एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसका टोटल चार्ज जीरो। अब अगर इसके बाहर हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, ठीक है, इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो होगा ई इंटू फोर पाए आर स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, तो चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, तो डायपोल के चार्जेस ये प्लस क्यू माइनस क्यू तो जीरो कर देगा, प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, और आउटर सरफेस का चार्ज प्लस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो सो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वन बाय फोर बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर के फॉर्म का ही होगा, सो पॉइंट चार्ज के जैसा ही है जो कि सेंटर पे होना चाहिए, सो आवर करेक्ट आंसर इज फोर। और यहीं से आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ऑलराइट, नहीं तो फिर इस तरह के फॉर्मूला आपको नहीं मिलने वाले थे। फाइन, नेक्स्ट वन, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी ईच हैव प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो डायग्राम में देख सकते हो ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटर दिया गया, दोनों का जो प्लेट एरिया है, दिस प्लेट एरिया इज ए और ये सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस से, तो डी, और यहां भी ये डिस्टेंस कितना है, तो डी है। फाइन, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद थ्री डायलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के वन के टू एंड के थ्री। द फर्स्ट कैपेसिटर इज फिल्ड एज शोन इन फिगर वन एंड द सेकेंड वन इज फिल्ड एज शोन इन द फिगर टू। तो इंडिविजुअली डेफिनेटली आप ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, या इसका इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट क्या होगा। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो इफ दीज टू मॉडिफाइड कैपेसिटर्स आर चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल अप्लाई करें, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू वुड बी, किसमें एनर्जी, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो क्या होगा। तो सेम पोटेंशियल कह ही दिया कि एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो ई वन डिवाइडेड बाय ई टू, आप जानते हो कि हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ई मीन्स क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, अब पोटेंशियल सेम है तो ये प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, तो सो ई वन बाय ई टू मीन्स सी वन बाय सी टू, सिंपली कैपेसिटेंस का रेशियो लेना है। जब डायलेक्ट्रिक्स एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से प्लेट के पैरेलल और एक दूसरे के भी पैरेलल रखा जाए, तो इस केस में जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू प्लस टी थ्री बाय के थ्री, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे ये T1, T2, T3 क्या है, तो इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस है। फाइन, तो इसको पहले वाले के लिए यूज करेंगे, सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले में क्या है कि ये यहां से यहां एक कैपेसिटर मानेंगे, फिर यहां से यहां दूसरा कैपेसिटर मानेंगे और यहां से यहां तीसरा कैपेसिटर मानेंगे और ये तीनों पैरेलल में होगा, ठीक है, तीनों के तीनों पैरेलल में होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो पहले वाले का C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, तो सो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D, क्योंकि ये जो एरिया टोटल A है ये A बाय 3, A बाय 3 और A बाय 3 में डिवाइड हो जाएगी, तो सबके साथ तीनों पार्ट के साथ यही होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 डिवाइडेड बाय D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय थ्री डिवाइडेड बाय डी। तो अब ये है जनरल फॉर्मूला और अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो पहले वाले केस में क्या, ये टी वन, यहां पे ये टी वन
इसके थिकनेस टी टू और इसके थिकनेस टी थ्री, तीनों मिलकर डी के बराबर हो जाएगा, तो सो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए सब में कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, वन डिवाइडेड बाय टी वन बाय के वन, तो टी वन इज डी बाय थ्री के वन, टी टू बाय के टू, सो डी बाय थ्री के टू प्लस डी बाय थ्री के थ्री डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला केस। तो सेकेंड वाले केस में क्या बचा, के वन बाय थ्री डी प्लस के टू बाय थ्री डी प्लस के थ्री बाय थ्री डी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पे ये जो है d बाय थ्री कॉमन ले लेंगे, d बाय थ्री, तो एलसीएम k1 k2 k3 इनटू, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा k2 k3 प्लस k1 k3 अब प्लस k1 k2 और देन डिवाइडेड बाय अगेन d भी कैंसिल होने वाला है, तो सो k1 प्लस k2 प्लस के थ्री डिवाइडेड बाय थ्री डी। अब इसको ऊपर ले जाए, थ्री डी डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू, और ये वाला तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स के वन के टू के थ्री डिवाइडेड बाय डी टाइम्स के वन के टू प्लस के टू के थ्री प्लस के थ्री के वन। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो ये डी डी कैंसिल, नाइन टाइम्स के वन के टू के थ्री डिवाइडेड बाय के वन प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू के वन के टू प्लस के टू के थ्री प्लस के थ्री के वन, ठीक है। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, तो सो हमारा आंसर है वन। तो जनरल फार्मूला दोनों केसेस के लिए हमने लगाया, तो आप देखो थोड़ा कैलकुलेशन जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, ऑलराइट। बट यही अगर हम इक्विवेलेंट डायलेक्टिक कांस्टेंट का फार्मूला लगा के देखें तो आसान हो सकता है, देखते हैं कैसे। E1 वन बाय ई टू मीन्स ई वन बाय सी टू, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉरी डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट इन सीरीज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डायलेक्टिक कांस्टेंट इन पैरेलल एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये सब कैंसिल। तो एक्चुअली ये रेशियो है इक्विवेलेंट डायलेक्टिक कांस्टेंट का सीरीज में और इक्विवेलेंट डायलेक्टिक कांस्टेंट का पैरेलल में, ठीक है। तो डायलेक्टिक कांस्टेंट का जो इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है वो बस अप्लाई करना है। तो पैरेलल में होता है के वन प्लस के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है, तीन है तो के वन प्लस के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। और सीरीज के लिए क्या होगा, तो सीरीज के लिए वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू प्लस वन बाय के थ्री एंड वन बाय थ्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही आपको मिलेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह से वेरी इजीली हो जाएगा अगर आपको पता हो इक्विवेलेंट डायलेक्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, लेट ए टोटल चार्ज टू क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद द चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर इक्वल्स के आर। तो एक टोटल चार्ज है टू क्यू जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक स्फीयर में जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और उसकी चार्ज डेंसिटी लिखा गया रो इक्वल्स के आर, टोटल चार्ज इज टू क्यू, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, फाइन, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। टू चार्जेस ए एंड बी ऑफ माइनस क्यू ईच, दो चार्जेस है ए और बी पे रखा गया, दोनों माइनस क्यू अमाउंट का है, आर प्लेस्ड ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर। If A and B do not experience any force, then, तो क्या किया गया कि इसके अंदर diametrically opposite points पे दो charge रखा गया minus Q and minus Q, fine,
तो आपको बताना है कि ये जो ए पर चार्ज है माइनस क्यू और बी पर चार्ज है माइनस क्यू, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा और इस स्फेयर के अंदर ऑलरेडी अपना चार्ज है, वो जो 2q चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो ना ही ए पे फोर्स लग रहा है ना ही बी पे, दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ए पे नहीं लगेगा तो बी पे भी नहीं लगेगा। तो सो इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ए का वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यू जो है आपको आर के टर्म्स में बताना है। तो व्हाट इज स्मॉल ए, तो स्मॉल ए ये सेंटर से डिस्टेंस है इस ए का या बी का, फाइन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इस माइनस क्यू कोई भी ए या बी वाले पे क्या करते हैं, फोर्स लिखते हैं, उसको जीरो करते हैं। तो बी पे ये जो चार्ज है बी पर माइनस क्यू, इस पे फोर्स लगाने वाला कौन है, तो एक तो ए लगाएगा, तो ए दोनों नेगेटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और ये कितना होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो के है हमारा, ऑलरेडी क्वेश्चन में के दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ के बदले 1/4 epsilon naught ही लिखे तो ज्यादा बेहतर है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, 1/4 epsilon naught, ठीक है, q1 q2, सो q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 2a का होल स्क्वायर। बट ये जो स्फेयर में चार्ज है उसकी वजह से भी इस पे फोर्स लगेगी, तो किस डायरेक्शन में लगेगी, स्फेयर पे चार्ज जो है पॉजिटिव है और ये चार्ज जो है नेगेटिव है, तो स्फेरिकल सिमेट्री वाले चार्ज के साथ क्या एक फायदा है, ये हम कह सकते हैं कि उसके अंदर के किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फाइंड करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और वो होता है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज KQ/r। लेकिन उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ए रेडियस का जो स्फेयर है इसके अंदर कितना चार्ज है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वाले चार्ज की वजह से नहीं होने वाला है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है उसी की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वही फोर्स इंपोज करेंगे। तो इस पिंक वाले स्फेयर के लिए ये क्या है, वायलेट वाले स्फेयर के लिए आउटसाइड का पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है, और सरफेस पे हमेशा पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्फेरिकल सिमेट्री। तो सो उसके अंदर का चार्ज निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं और उससे फोर्स फाइंड करके और दोनों को ऐड करके जीरो कर देंगे हम लोग, यही करना है। तो पहले चार्ज निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट लेते हैं जिसकी रेडियस है आर, थिकनेस है डी आर, तो इसमें टोटल चार्ज डी क्यू कितना होगा, तो रो इंटू 4π r² dr, तो रो जो है वो दिया गया है कितना, kr 4π r² dr, सो 4π k r³ dr, तो टोटल चार्ज 2q, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 4π k ∫ r³ dr 0 to r, ये मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4π k r⁴, तो ये 4 कैंसिल, तो सो 2q = π k r⁴ हो गया। और अब हम लोग फाइंड करेंगे a रेडियस के स्फेयर के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज इनसाइड द स्फेयर ऑफ रेडियस ए, तो इसको स्मॉल क्यू लिखते हैं, कितना होगा, फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे 4π k ∫ r³ dr फ्रॉम 0 to a, सो 4π k a⁴ / 4 4 कैंसिल, π k a⁴, एक इक्वेशन ये हो गया। तो अब उस पर फोर्स निकाल के उसको जीरो करना है, तो किससे फोर्स निकालना है, एक चार्ज है यहां माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू ए और बी पर, ठीक है, तो इस दोनों के आपस के जो फोर्स था वो हम लोगों ने लिखा था 1/4π ε₀ q² / 4a² और इस स्फेयर में जो अपना चार्ज है उसकी वजह से इसके अंदर के चार्ज हमने फाइंड किया क्यू, उसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो रेडियली आउटवर्ड होगी,
लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो उसका फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सो ये वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, तो चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4πε0 q/a2, क्योंकि इस सेंटर पे ही ये टोटल चार्ज q कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, तो यहां से ये डिस्टेंस हुआ a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज KQ/a2। ठीक है, तो ये दोनों जो है इक्वलेंट अपोजिट होना चाहिए, तो इस दोनों को इक्वलेंट अपोजिट कर दीजिए, तो QQ/4πε0a² इक्वल्स 1/4πε0Q²/4a² तो 4πε0 ये सब कैंसिल, a स्क्वायर भी कैंसिल, एक q भी एक्चुअली में कैंसिल, तो कैपिटल Q इक्वल्स 4 टाइम्स स्मॉल Q हो गया। तो अब इसमें कैपिटल Q और स्मॉल Q का वैल्यू रख देते हैं, तो कैपिटल Q कितना आया था, ये है कैपिटल Q पाई के आर टू दी पावर 4/2, तो पाई के आर टू दी पावर 4/2 और स्मॉल Q था पाई के ए टू दी पावर 4। तो इससे आपको मिल जाएगा a टू दी पावर 4 मीन्स r टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट मीन्स a इक्वल्स r/8 to the power 1/4, सो 8 to the power -1/4 टाइम्स r, ये हमारा आंसर आएगा। तो लेट्स सी, तो 8 to the power -1/4 टाइम्स r, ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। कैलकुलेशन लेंथी है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 μF कैपेसिटर विल बी, फिर से इस सर्किट को सॉल्व करके बताना है 4 μF कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये 5 और 1 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 6 μF। अब 6 μF और ये 4 μF इस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है अक्रॉस द सेल, जहां पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो सो इस 4 μF और 6 μF का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये प्लस माइनस 10 वोल्ट पर है, ठीक है, और दोनों सीरीज में, तो ये 10 वोल्ट पोटेंशियल जो है दोनों में डिवाइड होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो आप जानते हो दोनों पे चार्ज सेम होगी, और क्यू इक्वल्स क्या होता है सीवी, तो ये जो पोटेंशियल टोटल 10 वोल्ट है, ठीक है, वो सी इंटू वी कॉन्स्टेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी, तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, चार्ज सेम होना है इसको सेम होना है, सो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, तो सी के इनवर्स प्रोपोर्शन में ये 10 वोल्ट पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो एक का कैपेसिटेंस है 4 μF, दूसरे का 6 μF, ये है कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसके पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखा जाए तो इनवर्स रेशियो में हो जाएगा, तो 6:4 के रेशियो में हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर 10 होना चाहिए, तो ये 6+4 ऑलरेडी 10 है, तो इसका मतलब हुआ कि 4 μF कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है हमारा वो है 6 वोल्ट। तो इसलिए चार्ज ऑन 4 μF कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो 6 × 4 दैट मीन्स 24 μC, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से इजीली आप ये रेशियो फाइंड करके बता सकते हो कि किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और किस पे कितना चार्ज है। जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि इस 1 μF पे कितना चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल 4 का है 6 और इसका आया था 4 वोल्ट, तो 1 μF का 4 वोल्ट, तो चार्ज हो जाएगा 1 × 4, इस पे कितना चार्ज, तो 5 × 4, फाइन, ये 3, तो ये 10 के अक्रॉस ही है, तो इस पे चार्ज 3 × 10 μC, तो वेरी इजी है, आप बता सकते हो। तो ऑल राइट, ये था हमारा आखिरी सवाल, फाइन। तो इस तरह से 2019 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 3 एपिसोड में, ठीक है, जेईई मेन का एक्चुअली। तो आज इतना ही, फिर अब अगले ईयर 2020 का क्वेश्चन लेकर के मैं अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ,
तब तक आप वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और रिवाइज करें, और जो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच।